नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। भाई ने ही भाई के परिवार को खत्म कर दिया। मामला सराय के इलाके चांडिल का है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार के 5 लोगों की टांगे से काटकर नृशंस हत्या कर दी। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अफसोस की मौत पर घर में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जिधर देखिए उधर शव ही शव, कोई नहीं बचा। आंगन है या शमशान घाट, यकीन मुश्किल हो जाए। खून से आंगन लाल, लेकिन अफसोस कि घर में कोई रोने वाला नहीं। पास पड़ोस की आंखें सूख गई। नरसंहार, जी हां, नरसंहार हुआ जमशेदपुर के पुड़ीसिली गांव में। बड़े भाई के पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। वो रवि मांझी है और उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। लेकिन हत्यारा उनका सगा भाई है, और जो सगा भाई है वो मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त था, पहले भी लड़ाई झगड़ा करता था। उसके इलाज का भी लोग लोकल स्तर पर प्रयास किए हैं, और रात में भी वो नशे की हालत में था और उसने सोए में लोगों की हत्या कर दी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसंहार की तस्वीरें भयावह है। घर में जैसे मौत तांडव मचा गई। इस नरसंहार का आरोप है चुन्नू मांझी पर। घर के अंदर उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई को मारा। कटारी से मारने के बाद पत्नी समेत बच्चे जाग गए। त्यारे पर सनक सवार थी, उसने घर के बाहर 3 बच्चे समेत उसकी पत्नी को मार डाला, जिसके शव जहां तहां बिखरे पड़े थे। हत्या के वक्त घर में आग लगाने की भी कोशिश की गई। आग में काफी कुछ जल गया, लेकिन समझ से परे है कि आरोपी दिमागी रूप से बीमार बताया जाता है और नशे का भी वो आदि था, जिसकी वजह से ये हत्या हुई। तो हत्या मैंने मजाक में कर दिया, यह इशारा करता है कि वो मानसिक रूप से असंतुलित था। तो मानसिक असंतुलन और शराब का नशा ही लगता है मुख्य कारण है, बाकी हम लोग अन्य बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं। समझ से परे है कि मौत की सनक कैसी थी कि उसने पूरे परिवार को ही निशाना बनाया। हैरानी तो इस बात की भी है कि क्या यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता तक नहीं चला। जाहिर है किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। नतीजा, एक साथ 5 लोगों को मौत के घाट उतारने में हत्यारा कामयाब रहा। और जब उसका पैसा खत्म होता था तो घर वालों से झगड़ा करता था। कल किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है। टांगी वो जब्त कर लिया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या कोई नशे में इस तरह निर्मम हत्या जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कोई संपत्ति के लालच में इस परिवार को निशाना तो नहीं बनाया और हत्या का ठीकरा उसके भाई पर ही केवल फोड़ा। क्या किसी ने दिमागी रूप से कमजोर चुन्नी मांझी को किसी ने भड़काया। ये सब कुछ सवालों में है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पीयूष मिश्रा, जी मीडिया, सरायकेला, जमशेदपुर।